हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल भाजी, जो कि है बुहार भाजी। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध भाजी है दोस्तों। या और ये जो है भाजी, जब भी मार्केट में आता है बहुत ज़्यादा महंगी मिलता है। मतलब इसका ज़्यादातर 200-300 रुपए किलो भी यहाँ तक बिकता है। और ये देखिए, ये है जो बुहार भाजी जो बोलते हैं, ये उसका फूल होता है। इस फूल का बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है और इसकी पत्तियों का भी सब्जी बनता है। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं बुहार भाजी। वैसे मैंने इसकी कई रेसिपी शेयर किया है। इसे हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कभी चना दाल डाल के, कभी मसूर, खड़ा मसूर डाल के, कभी इमली के साथ, कभी दही के साथ, और भी अलग अलग वेराइटीज़ होता है दोस्तों। कभी सिर्फ टमाटर में भी बनाते हैं। सभी के रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाला है, नहीं देखे हैं तो बुहार भाजी प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये देखिए बुहार भाजी जो इस टाइप से दिखता है। तो बुहार भाजी का जो मोटा मोटा जो डंडी है उसे हम पहले तोड़ लेते हैं, और जो पत्तियाँ, अगर बड़े बड़े पत्तियाँ, उसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से आप उसे भी थोड़ा तोड़ लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। और उसके बाद हम इसे साफ़ करने के बाद ऐसे पानी में डालकर इसे धो लेते हैं। 2 से 3 पानी हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। एक रेसिपी मैंने अभी से बीच में शेयर किया था दोस्तों, तो वहाँ पर मैं उसे दही या फिर मही के साथ खट्टे में जो कैसे बनाते हैं चना दाल प्याज के साथ, वो वाला शेयर की हूँ। आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो आज हम इसे बिना दही और बिना मही के बनाएंगे, जो कि हम इमली डाल के बनाएंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर इसे बना कर खाइएगा। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आप यही बना कर खाएंगे, कि इतना तो गारंटी है दोस्तों। क्योंकि मैंने भी एक बार और बनाया था, वो भी रेसिपी मैंने शेयर किया था, और आज भी मैं आपसे यही रेसिपी फिर से शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, सभी को मैं अच्छे से धोकर इसे हम निकाल लेते हैं। ये जो छोटा छोटा जो नहीं निकल रहा है, उसे कोई भी छलनी में आप डालेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। और उसके बाद इसे एक कुकर में डालकर हम इसे पकाएंगे। अगर कुकर में नहीं पकाते हैं आप, तो आप इसे कढ़ाई में डालकर गैस के ऊपर रखकर भी आप पका सकते हैं। तो ये देखिए इमली को मैंने पहले पानी, साफ पानी से धो लिया है, उसका रेसा वगैरह बीज वगैरह से निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इमली डाल देते हैं, करीब 50 ग्राम के लगभग मैं यहाँ पर इमली डाल रही हूँ। और मेरे बुहार भाजी जो है 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर भीगा हुआ चना दाल डाल रही हूँ। आप चना दाल के जगह पे यहाँ पर आप तीवरा दाल या फिर आप खड़ा मसूर भी आप डाल सकते हैं, सभी में अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 प्याज है बड़ा साइज़ का, इसे भी मैंने काट कर यहाँ पर डाल दिया है। कई लोग टमाटर यहाँ पर नहीं डालते हैं, पर आप टमाटर ज़रूर डालिए दोस्तों, टमाटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1 या 2 टमाटर ज़रूर डालिए भाजी में। और उसके बाद हम नमक और हल्दी डालकर इसे 2 सीटी डालकर पका लेते हैं। और ये देखिए हमारा भाजी तैयार है। पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला था दोस्तों, क्योंकि टमाटर प्याज में पानी रहता है, भाजी में भी रहता है, तो पानी मैंने नहीं डाला था। क्योंकि चना दाल में भी हमने 1/2 कप के करीब पानी में भिगाया था, तो वो भी था। तो ये देखिए अब इसे हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल को डाल दिया है। और जब सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तो यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन। यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ है, जिसे बारीक कट किया है। और 1 प्याज है बड़ा साइज़ का, इसे मैं इसे स्लाइसेस में काटी हूँ, बड़े बड़े लंबे लंबे टुकड़ों में। और यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च भी 2-3 लाल मिर्च है। अगर आप हरा मिर्च डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1-2 हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब दोनों मिर्ची को आप डाल सकते हैं, लाल और हरा को। और इसे हम थोड़ी देर से भूनते हैं। बुहार भाजी में ज़्यादातर प्याज जो डालते हैं दोस्तों, उससे इसका जो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज के जब टुकड़े जब आते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उबालने के टाइम भी 1 प्याज डाला था, और अभी तड़का लगाने के टाइम भी 1 प्याज डाला है। तो प्याज ज़रूर डालिए। और उसके बाद जब अच्छे से भून जाए, तब यहाँ पर हम जो भाजी जो उबाल के रखे हैं उसे डाल देंगे। तो ये देखिए भाजी जो है थोड़ा सा इसमें सूखा सूखा रहता है, जो कि खाने में अच्छा लगता है। दही और मही डालते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप से आ जाता है, तो इसे हम जल्दी, मतलब एकदम झटपट बन जाता है। हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि इसका पानी को सूखते तक पकाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। बस तड़का लगाएंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे, हमारा भाजी तैयार है। क्योंकि हमने सब चीज़ इसमें ऑलरेडी पहले से डाल के रखा है, तो हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक हल्दी सब चीज़ डल गया है इसमें, और बाकी कोई और भाजी में तो हम लोग हल्दी नहीं डालते, पर इस भाजी में ज़रूर डालते हैं, क्योंकि इसे खट्टे में बनाते हैं तो इसका कलर भी अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा भाजी तैयार हो गया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और ये देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। प्याज जो है ज़्यादा पका नहीं है, मतलब थोड़ा सा हल्का क्रंची है, जो कि खाने में अच्छा लगता है। और आप इसे आप किसी भी के साथ खाइए, आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना रोटी चावल के, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बुहार भाजी कितना अच्छा बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में लेकर हम सर्व कर देते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा बुहार भाजी बनकर तैयार हुआ है। इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अभी बुहार भाजी का सीज़न है इसलिए मैं आपसे अलग अलग वैरायटी शेयर कर रही हूँ, और भी बहुत सारा वैरायटी यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट में है, इसे मैं एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पूरे प्लेलिस्ट को। आप वहाँ से अलग अलग वैरायटीज का चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये देखिए आज का बुहार भाजी देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।